दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अभ्यास प्रश्न 1 करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो प्रश्न 1 में ए और बी दिया गया है, 300 केल्विन और 573 केल्विन। एक केल्विन में दिया गया है, हमको सेल्सियस में चेंज करना है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है सेल्सियस को किस में चेंज करना है, सेल्सियस इकाई में, पर सॉरी, ये केल्विन को हमको किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। केल्विन को किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। क्योंकि हमको याद रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन, ये हमको याद रखना है, 273 केल्विन ये हमको याद रखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब हमको किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। ये सेल्सियस होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें 300 में क्या घटा लेंगे, 273 घटा देंगे, 273 घटा देंगे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। तो ये 10 में से 3 गया 7 बचेगा, और यह 9 में से 7 गया 2 बचेगा, तो हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो 300 केल्विन का मतलब होता है 27 डिग्री सेल्सियस। अगला है 573 केल्विन, 573 केल्विन को हमको सेल्सियस में बदलना है। तो क्या करेंगे, 573 माइनस 273, इसको घटा लेंगे तो 0 आएगा, ये 0 आएगा, और 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 300 सेल्सियस, 300 सेल्सियस। तो हमारे ये दो उत्तर मिल गए, पहला उत्तर ये मिल गया और दूसरा उत्तर ये मिल गया।